हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी के फॉर्म भर रखा है तो फ्रेंड आपके भी दिमाग में एक कन्फ्यूजन होगा कि अब की बार निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बताया हूँ कि निगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं फ्रेंड क्या लिखा गया है। तो फ्रेंड, ये इसकी नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन। इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आपको भी पढ़ लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक लाइन है 10 नंबर की। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा जूम हो गया। यहाँ पे लिखा है द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट आर 30% अनरिजर्व्ड पे कैटेगरी। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 30% नंबर सामान्य कैटेगरी के लिए लाना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि सामान मतलब ओबीसी के लिए दोस्तों 27% नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। दोस्तों, ये लाइन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाइन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है कि नो निगेटिव मार्किंग। दोस्तों, यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन की निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि नो निगेटिव मार्किंग। तो अब की बार दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLB एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा गया है। तो ये ऑफिशियली दोस्तों है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी ऑफिशियली है। तो अगर फ्रेंड आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके दोस्तों बता दूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती हैं, क्या क्या है सारी चीज़ें। तो हेलो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर फिर वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।